फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। चमड़ी बहुत मोटी हो गई है। हमारी जमीन पर अनाज उगाकर माल बेचते और हमारा हिस्सा खा गए और वो अनाज मंडी में जाकर बेच दिया। वो अनाज तेरे बाप के दहेज में नहीं आया था। मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दो ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दो। झूठ बोलू ना बोलू पर गलत ना बोलू, ये तेरी पहली गलती नहीं बल्कि दूसरी है, और दूसरी गलती को हम गलती नहीं बल्कि बहावत समझते हैं। और ठाकुर पृथ्वी सिंह के साथ बगावत करने का क्या अंजाम होता है ये तुझे अभी मालूम हो जाएगा। घोड़े मार मार कर खाल खींच दो। देखो गंगा, पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हमारी है ना। हाँ फुलन के बापू, हाँ। हमका तोहरा ऊपर बड़ा गर्व है कि तुम इतना अच्छा फसल पैदा किए और सरकार से इनाम भी जीते हो। अरे गंगा, छोटा मुंह और बड़ी बात, इस साल तो हमको खाली जिला कलेक्टर ने इनाम दिया है ना। अगले बरस देखना, हम इतना फसल पैदा करूंगा कि पूरे प्रदेश का इनाम हासिल करूंगा। ठाकुर साहब, सच बोलू तो बुरा कोनी मानो, हाँ आपकी ये जवानी देखकर तो मारा भी मन डोलन लागे है। आपकी ये पहाड़ जैसी जवानी तो बड़े बड़े पहलवानों के अखाड़े में ही देखने को मिले है। आपकी ये जवानी देखकर तो कोई भी औरत जात आप पे पिघल सके। ठाकुर साहब, लाला आज तू कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है। झूठ बोलू ना बोलू पर गलत ना बोलू, लाला तेरी एक आंख में मुझे सुअर का बाल और दूसरी आंख में
किसी हसीन औरत की जवानी चमकती हुई दिखाई दे रही है। बोल, आज किसकी शामत आने वाली है? सच बोलू तो बुरा कोनी मानो ठाकुर साहब, वो अपना मोहन सिंह है ना, उकी लुगाई गंगा, उकी जवानी खिल खिल के शबाब पे आई है। अरे आप उको देखोगे ना तो शबाब और कबाब दोनों को भूल जाओगे, उको देखते ही थाने 3-4 बोतल का नशा चढ़ जाएगा। तुलसी मोहन सिंह की बात तो नहीं कर रहा जिसकी 12 बीघा जमीन हमारी जमीनों के बीच में फंसी हुई है? ठीक बोलो थे ठाकुर साहब, जिस तरह की जमीन फंसी है आप उसकी लुगाई को भी फंसाई लो, फिर आपको इधर उधर मुंह बांधने की भी जरूरत कोनी रहेगी ना। लेकिन थाने उसके लिए दाना डालना पड़ेगा। दाना चिड़ी मार डालते हैं, शेर नहीं। हम शेर हैं, हम दाना नहीं बल्कि पंजा डालते हैं। ठीक बोलो ठाकुर साहब, और थे तो शेर ही नहीं जवान शेर हो। ओ थारी जवानी के चक्कर में असली बात जो मैं बोलने आया था वो तो रह गई। कौन सी बात? ठाकुर साहब, वो मोहन सिंह ने अपनी जमीन पर बहुत पैदावार की, इसलिए गवर्नमेंट ने उको गोल्ड मेडल इनाम दियो है। अब थारे लिए तो बहुत शर्म की बात है ना ठाकुर साहब, थारी इतनी सारी जमीन है और थाने नाम भी कोनी और इनाम भी कोनी, उरो इनाम थाई बेनाम। झूठ बोलू ना बोलू पर गलत ना बोलू, सरकार का दिया हुआ इनाम तो उसे सारी जिंदगी याद रहेगा, लेकिन आज जो इनाम हम उसे देंगे सारी जिंदगी अगर वो उसे भूलना भी चाहेगा तो भूल नहीं पाएगा। तो ठाकुर साहब फिर देर का है कि थे डिडालो इनाम। लाला, शिकार कभी भी अपनी मर्जी से शेर के पास नहीं जाता बल्कि शेर खुद शिकार करने निकलता है, और आज हमारे दो शिकार हैं, मोहन सिंह की जमीन और मोहन सिंह की चोरू। ए नालायक छोकरी, बीच रस्ते में गिल्ली डंडा खेलती है। एक जन्म जले माटी मिले, तो खुद गिल्ली के बीच में आ गया तो उसमें फूलन का क्या कसूर? अच्छा, बड़ी तेज मिर्ची है तू। चोरी, इस गिल्ली को मेरे पैरों के नीचे से निकाल सकती है? एक मिनट में, मगर फोकट में क्यों? 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए? दीदी इसमें तो 2 रसगुल्ले आ सकते हैं। और अगर तू नहीं निकाल पाई तो 10 करारे थप्पड़ मारूंगा। मंजूर? मंजूर, फुलन की जबान एक। निकाल। बड़ी दमदार है, तेरे बाप का नाम क्या है? पहले तू बता, तेरे बाप का नाम क्या है? बिना बाप का है क्या? ए छोरी, चल मुन्ना तेरे लिए मैं रसगुल्ले खरीदती हूँ। चल दीदी। जरा मालूम तो करना कि ये ततैया किसकी बेटी है। छोटा मोर बड़ी बात ठाकुर साहब, मैं अपने पुरखों की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। सोच लो मोहन किसान, क्योंकि ठाकुर पृथ्वी सिंह ना सुनने का आदि नहीं है। आदत तो बनाने से बनती है ठाकुर साहब, मैं मानता हूं आप इस गांव के सबसे बड़े आदमी हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि आप जोर जबरदस्ती से किसी की जमीन छीन लें। जबरदस्ती करनी होती तो तुझे उठाकर ले जाता, मैं तो तेरी जमीन खरीदने आया हूं। बोल, कितना पैसा तेरे मुंह पर मारूं? कोई और बात कीजिए ठाकुर साहब, मुझे अपनी फसल बेचने मंडी जाना है। मंडी जाया किसी रंडी के पास,
मुझे हर हाल में तेरी जमीन चाहिए। गंगा तुम अंदर जाओ। गंगा कितना प्यारा नाम है और कितनी प्यारी सूरत है। हरमोहन मैं तो तुझे समझाने आया था, अब कोई ऐसी गुस्ताखी मत कर बैठा कि इस गंगा को मैली होना पड़े। मैं तो तुझे रुपयों की थैली देने आया था, गंगा को मैली करने नहीं आया था। जाता हूं गंगा। हाँ हाँ सब ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लो पनिया लो। चले चले। फूल जैसे नाजुक बदन पर इतने अत्याचार। कैसे अत्याचार ठाकुर? ये गोरे गोरे कोमल कोमल हाथ इतनी भारी गगरिया उठाएं, ये अत्याचार नहीं तो और क्या है? अत्याचार हमरे ऊपर होत है, तोहार छाती काहे फटत है ठाकुर? ये तूने हम पर नहीं बल्कि अपनी तकदीर पर थूका है। सच बोलू तो बुरा कोनी लगे ठाकुर साहब, थे गया तो था मोहन सिंह की जमीन हत्याने, पर आगे वो है उकी बीवी से मुंह पे थुकवा के। वो तो अच्छा हुआ ठाकुर साहब किसी ने देखा कोनी, वरना थे तो किसी को मुंह दिखाने का लायक ही नहीं रहते। अब सोचने का टाइम नहीं है ठाकुर साहब, ए कुछ करो। झूठ बोलूं ना बोलूं पर गलत ना बोलूं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, इस मोहन सिंह को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और इसकी बीवी का घमंड भी अगर मैंने अपने कदमों तले नहीं रौंदा, तो मैं ठाकुर पृथ्वी सिंह भी अपने बाप की औलाद नहीं। ठाकुर साहब थे बोलो तो ये काम आज ही कर लेते हैं। आपके कने इतने लठे थे, आज ही भेज देते हैं उनको। वो मोहन सिंह को मार पीट के कोरे कागज के ऊपर उका अंगूठा लगवा लेंगे और उकी लुगाई को अपने कने ले आएंगे। लाला जब हमने खूनी भेड़िया पाला हुआ है तो किसी के खून से हमें अपने हाथ रंगने की क्या जरूरत है? खोपड़ी सिंह की रगों में जो हमारा नमक दौड़ रहा है, आखिर वो नमक किस दिन काम आएगा? थे मारे चचेरे भाई डाकू खोपड़ी सिंह की बात करे हो? इस दुनिया में सिर्फ एक ही खोपड़ी सिंह है जो कभी अपनी खोपड़ी से काम नहीं लेता। फौजी शेर खान का मकान, इस रामपुर गांव से अपने को एक दाना नहीं लूटने दिया और अपने चार साथियों को मौत के घाट उतार दिया सरदार, मौत के घाट। परेशान किया सरदार, जीना दुश्वार कर दिया शेर खान ने। शेर खान, ओ शेर खान, देख मौत का फरिश्ता आया है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? भैया घर पर नहीं है, बाजार गए हैं। भाई जान बाजार गए ना, खोपड़ी जान तो तेरे सामने खड़ा है, क्यों दरियल? सरदार आगे नहीं आना। खोपड़ी सिंह, खोपड़ी सिंह, खोपड़ी सिंह,
सलमा सलमा खुदा हाफिज। जैसे मां लोरी सुनाती थी वैसे तू पानी डाल। खोपड़ी सिंह नाम है मेरा, दुश्मनों की खोपड़ी तोड़ना काम है मेरा। अरे भैया को प्रणाम। जिधर आओ जिधर आओ प्रणाम प्रणाम भैया। काम की बात बता। काम की बात भी बताऊंगा तन्ने भैया, पहले सोमरस तो पिला मन्ने। सोमरस बाद में पीना, पहले काम की बात बता। काम थारे मतलब का है, मैं जानू कि अगर मतलब ना हो तो थे माँ के पेट के बाहर भी नहीं आना था। काम की बात नहीं करेगा तो अपने भैया से मजाक कैसे करेगा रे। काम की बात बता। वो भैया चिल्लाते कहाँ को हो, वो ठाकुर साहब को आपसे ना कोई काम है, वो कोई खोपड़िया तोड़वानी है। ये हुई ना काम की बात। हाँ आइए चलते हैं ठाकुर के पास। आओ ये देखो गंगा, हमारी कड़ी मेहनत का फल। इतने सारे रुपए बाबा, किसी के घर में डाका डाला है। चल चल शरारती लड़की, बाबा अनाज बेचकर पैसे लाए हैं। बाबा तो हमारा एक पक्का मकान बन जाएगा। हाँ बिटिया बिल्कुल बनेगा, भगवान ने चाहा तो गांव में सबसे अच्छा मकान हमारा ही होगा। और हाँ मकान के आंगन में एक पक्का कुआं भी होगा। बाबा हाँ। एक मेरे लिए बड़ी साइकिल भी ले आना। हाँ बेटे साइकिल तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। और माँ के लिए कंगन भी लाना सोने के। हाँ बेटी कंगन वो तो मैं लेके आ गया, सोने के कंगन हैं तुम्हारी माँ के लिए। ये देखो जी कैसे हैं, पसंद है कि नहीं है? ठाकुर ओ ठाकुर, तू यही चाहता है ना कि खोपड़ी सिंह मोहन सिंह का कल्याण कर दे, यही चाहता है ना? हाँ खोपड़ी सिंह, तेरा मनहूस साया जहाँ पड़ता है उसका कल्याण हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि तेरे मनहूस पैर मोहन सिंह के घर पर पड़े, मोहन सिंह का कल्याण हो और मैं गंगा नहा लूं। वाह ठाकुर वाह, खुद तो नहाना चाहता है गंगा में और मुझे नहाना चाहता है जमुना में। अरे उस कंगले मोहन के पास मिलेगा क्या? कुछ मुट्ठी भर दाने और टूटे फूटे बर्तन। हाँ अगर कुछ मिलेगा तो एक बैल गाड़ी मिलेगी, अगर तू चाहे तो उसको भी कंधे पर उठा के ले आऊं। खोपड़ी भैया अगर मोहन सिंह के कने उत्तो ही है जो आप कह रही हो तो फिर ठाकुर साहब आपसे डाका काको डलवा रही हो। खोपड़ी वो इतना कंगाल नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो। इस साल उसकी फसल बहुत ही अच्छी हुई है और उसकी सबसे बड़ी दौलत है उसकी जवान खूबसूरत बीवी की जवानी जो आजकल गहनों से लदी हुई है। उसकी कोमल काया पर गहनों का इतना बोझ देखा नहीं जाता। तो खोपड़ी सिंह किस मर्ज की दवा है? अगर नहीं देखा जाता तो खोपड़ी सिंह उसको हल्का कर देगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम इतने जहरीले हो कि जब जब तुम्हें सांप ने काटा है सिर्फ सांप ही मरा है। सच के जाऊं पहली बार तुमने झूठ बोला है, उसके बच्चे भी तो मर जाते हैं। बापू
फुलन के बाबा। हाँ क्या बात है गंगा? बाहर हीरा पन्ना क्यों चिल्ला रहे हैं? तुमने चारा तो बराबर डाला था ना? हाँ हमने चारा तो बराबर दिया था। जरा बाहर जाकर देखिए तो क्या बात है। ठीक है मैं अभी देखता हूँ। मालूम नहीं हीरा पन्ना को भी आज क्या हो गया। अरे खोपड़ी सिंह। हाँ खोपड़ी सिंह तेरा बाप। लेकिन तू मुझसे क्या चाहता है? अरे बहुत कुछ चाहता हूँ रे। सुने तेरी बहुत अच्छी फसल हुई है, पैसा भी बहुत आया है, पैसा चाहता हूँ। नहीं उसमें से मैं एक कोड़ी भी नहीं दूंगा, वो मेरे खून पसीने की कमाई है। अरे इसलिए तो लेने आया हूँ कि वो तेरे खून पसीने की। कभी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तुझे पता नहीं? नहीं दूंगा। खोपड़ी गिम जाए तो बहुत बुरा होता है। नहीं कभी नहीं दूंगा, चाहे तू मेरी जान ही क्यों ना ले ले। नहीं देगा। नहीं दूंगा। नहीं देगा। नहीं दूंगा। तो मैं देता। नहीं नहीं खोपड़ी सिंह मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ऐसा मत करो। नहीं 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 खोपड़ी सिंह मुझे मत मारो। पगला कहीं का देखा खोपड़ी सिंह को ना करने का। ये क्या हो गया तुम्हें? माँ, 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 हमारे बापू को किसने मारा? माँ मैंने मारा है। खोपड़ी सिंह फुलन अभी बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब बड़ी हो जाएगी खोपड़ी सिंह इंतजार करेगा। चलो फुलन के बापू। बाबू साहब काम हो गया। शाबाश, इन दो बैलों को गांव से इतनी दूर छोड़ाओ कि दोबारा ये गांव में वापस ना सके। ठीक है जी। और अगर ये बैल दोबारा इस गांव में वापस दिखाई दिए तो तुम इस दुनिया में दिखाई नहीं दोगे। ठीक है सरकार, चलो चले थे ठाकुर पृथ्वी सिंह से टक्कर लेने। फुलन क्यों चिल्ला रही है? माँ हीरा पन्ना दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही कहीं होंगे। खूंटे से बंधे बैल कहीं जा ही नहीं सकते हैं, किसी ने हमारे बैल चुरा लिए। माँ अब क्या होगा? माँ बैल नहीं होंगे तो हम खेती कैसे करेंगे और हम खाएंगे? क्या होगा माँ, अपने पास बैल खरीदने के पैसे भी नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तेरे बापू के दिए हुए कंगन तो है, मैंने गिरवी रखवा कर बैल ले आऊंगी। दीदी दीदी बाबा कब वापस आएंगे? मेरे भैया बाबा अब कभी वापस नहीं आएंगे, वो भगवान के पास चले गए हैं। रो मत मुन्ना, मैं हूं ना और माँ भी है, तो रो क्यों रहा है? रो मत मेरे भैया, रो मत। माँ मेरे बच्चों, माँ आपके कंगन। वो दोनों कंगन हम ठाकुर के यहां गिरवी रखाए हैं बेटी, और कुछ पैसा लाए हैं, इन पैसों से दो जोड़ी बैल खरीदेंगे।
बैल ना हुए तो खेती बाड़ी कैसे होगी? और तू ही तो कहती है ना कि भैया को शहर भेजना है पढ़ने के लिए। ये तो ठीक है माँ, पर मुझे लगता है वो जन्म जले माटी मिले ठाकुर ने ही हमारे बैल चुरा लिए। माँ वैसे आप बहुत खुशकिस्मत हैं खान साहब, वरना तीन बड़े ऑपरेशन और दो छोटे ऑपरेशन के बाद बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। डॉक्टर बाबू, हम आपको अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहा। हमारी बहन नहीं रही, क्या करेगा जी के, क्या करेगा। वैसे आपको इस अस्पताल से इजाजत मिल चुकी है, आप जा सकते हैं। आज राखी का त्योहार है खान भाई, क्या मैं आपको आज राखी बांध सकती हूँ? मेरा भाई आप ही की तरह एक फौजी था खान भाई, मगर अब वो जिंदा नहीं है। मुझे आप में उसकी झलक नजर आती है। क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ खान भाई? आपको देने के लिए एक रुपया भी मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है भैया। दीदी, मैं आजीवन आपकी रक्षा करूंगा। मुझे पता है आज तुम पुलिस की ट्रेनिंग पर जा रहे हो और मुझे मालूम है कि तुम बड़े ऑफिसर बनकर लौटोगे, लेकिन तुम्हें एक और कसम खानी होगी। कौन सी कसम दीदी? आओ बताती हूँ। पिताजी की कसम खाकर कहूँ कि तुम एक पुलिस ऑफिसर का ईमानदारी से फर्ज निभाओगे और पिताजी के कातिल खोपड़ी सिंह को सजा दिलाओगे और किसी भी मुजरिम को माफ नहीं करोगे, चाहे वो अपना खूनी क्यों ना हो। मैं कसम खाता हूं दीदी, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने पुलिस ऑफिसर की जॉब को पूरी तरह से निभाऊंगा। पिताजी के कातिल खोपड़ी सिंह को कभी माफ नहीं करूंगा, उसे मौत के घाट जरूर उतारूंगा, चाहे कोई भी मुजरिम हो। उसे कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे वो अपना खूनी क्यों ना हो। Thank you.
बटुआ मुझे दे दे। क्यों दे दूं? बाप का माल समझाए क्या? मैं पांच तक गिनता हूं। एक, एक दे दे। दो, तीन, चार, पांच। छह तक क्यों नहीं गिना रे? छह का आंकड़ा सदियों से चला आया है, कम से कम छक्का तो कहलाता। शुक्र है एक सांड के हाथों एक मेमने की मौत तो हुई। शुक्र है जो आपने मेरी जान बचाई। वैसे क्या आप डाकू हैं? थू, थू, थू! इतनी मोटी थूक फेंकूंगा कि तेरा मुंह ढक जाएगा। मैं तुझे डाकू नजर आता हूँ। मैं बागी हूँ, बागी खोपड़ी सिंह बागी। पर ये बता तू किस खेत का बैंगन है रे? मैं तो एक शिकारी हूँ, विक्रम सिंह। इस जंगल में भटक रहा हूँ अपने शिकार की तलाश में। हाय तलाश, तिरछी टोपी वाले विक्रम सिंह, क्या तुम खोपड़ी सिंह के गिरोह में काम करना पसंद करोगे? अगर मैं इसके गिरोह में शामिल हो गया तो मुझे अपने बाप के कातिल को ढूंढने में आसानी होगी। मैं आपके गिरोह में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। जय खोपड़ी वाली माता की। खोपड़ी को बहुत मजा आया क्योंकि आज से तू खोपड़ी के गिरोह में शामिल हो गया। मंगत राम, हमारे गांव में इतनी हरी भरी फसल उगी है और हमें पता ही नहीं। लाख रुपए की बात ठाकुर साहब, आप कहें तो छोरी का आगा पीछा पूछ के बताऊं। आगा पीछा ऊपर नीचा सब पूछ ले। अरे जन्म जले, तेरी माटी मिले, लगता है तूने बचपन वाली फुल्लन को नहीं पहचाना। तो तू वो गिल्ली डंडे वाली लड़की है भाई, क्या खूबसूरत हाथ पैर निकाले हैं। रंग रोगन में तो तू अपनी माँ को भी पीछे छोड़ गई। लाख रुपए की बात कही है ठाकुर साहब, इस गंगा को देखकर। अबे चुप पनवती, जब तक चुप कराते हैं। लो मैं चुप हो गया। ठाकुर साहब मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। आप मुझे देंगे? बिल्कुल देंगे। ठाकुर की जबान एक। ठाकुर की जबान एक। बरसों से मेरी माँ की कलाइयाँ सुनी पड़ी हैं। उसने अपने सोने के कंगन तेरे पास गिरवी रखे हैं ठाकुर, उसे वापस दे दे। अरे इतनी सी बात? अभी चलकर ले ले अपनी माँ के सोने के कंगन। मेरी प्यारी फूलन, तेरे इन खूबसूरत हाथों में भी तो कंगन नहीं है। तू गए तो हीरे के इतने मोटे मोटे जड़ाव कंगन तेरी कलाई में चढ़ा दूं? किसी ने सच कहा है ठाकुर कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए मगर गुलाटी मारना कभी नहीं भूलता। याद कर ठाकुर, जब मैं छोटी थी ना तब मेरी गिल्ली ने तेरी खोपड़ी हिला दी थी, मगर अब ये मेरे हाथ बहुत मजबूत हो गए हैं। अगर एक पड़ गई ना तो तेरी बत्ती सी बाहर आ जाएगी और जो ये तेरा जवानी का जोश है गंदी नाली में पानी बनकर बह जाएगा। खामोश। सुन रही छप्पन छुरी, अगर एक लफ्ज भी तूने अपने मुंह से निकाला तो मैं तेरी ये चार गज की लंबी जबान काट कर कुत्तों में बंटवा दूंगा। ठाकुर साहब लाख रुपए की बात दूंगा, एक लाख। चल मालूम ये हैं? लॉकेट? ये लॉकेट तो मेरा है। ये लॉकेट चिकने के पार कैसे आया? इसमें जरूर कोई राज है। अरे विक्रम,
ये लाकड़ को क्या देख रहा है? इस लॉकेट में बहुत खास बात है सरदार। ये लॉकेट उस कमीने डाकू का है जिसने मेरे बाप का खून करके मुझे अनाथ बना दिया। तेरे बाप का नाम क्या था रे? हरकिशन दास, जो जनकपुर में अनाज के सबसे बड़े व्यापारी थे। लेकिन लेकिन सरदार, आपने इस लॉकेट के बारे में क्यों पूछा? अरे घबराने की कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वो शेर खान है ना, शेर खान, उसके गले में भी ऐसा खोपड़ी वाला लॉकेट है, इसलिए पूछ रहा हूँ तेरे पास कैसे आ गया। शेर खान, तो सरदार मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी कि मैं अपने इन हाथों से बिल्कुल शेर खान को मारकर अपने स्वर्गवासी पिता की मौत का बदला ले सकूं। क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? अरे पगले, जैसे हम कुत्तों की तरह जंगलों में भटक रहे हैं, वो कुत्ता कमीना भी ऐसे ही जंगलों में भटक रहा होगा। जा, जा, जब तक तू शेर खान के टुकड़े टुकड़े करके मेरे सामने नहीं रखता, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा। ठीक है सरदार। मेरा नाम क्या है? खोपड़े। मेरा नाम क्या है? आपका साथ बात कर रहे खोपड़ी सिंह अपनी खोपड़ी से काम लेता है। तुझे पता है ना, शेर खान मेरे खून का प्यासा है, और ये मुन्ना, ये चिकना शेर खान को मारने गया है। जब ये शेर खान को मारेगा तो हमारा फायदा ही फायदा है। ये शेर खान इसे मारेगा तो भी हमारा फायदा ही फायदा है। और अगर कहीं एक दूसरे ने एक दूसरे को मार दिया तो हमारा फायदे के ऊपर फायदा है। अब बोल, मेरा नाम क्या है? खोपड़ी जी, आपने तो कमाल कर दिया। माँ, माँ, क्या है बेटी? माँ, मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। वो क्या है? माँ, अपना मुन्ना पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। अच्छा, और वो भी इसी गांव की पुलिस चौकी में आ रहा है। तुझे कैसे पता चला? माँ, मुन्ना की चिट्ठी आई है, मैंने मास्टर जी से पढ़वा भी ली है। क्या क्या लिखा है बता। माँ, मुन्ना एक दो दिन में गाँव आ रहा है। अच्छा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ओए लाले की जान, प्रताप सिंह, हिम्मत नहीं हारने का। इस बार गोली निशाने पर नहीं लगा तो क्या हुआ, फिर से निशाना लगाओ, कामयाब होएगा, लगाओ। कोई बात नहीं, फिर से लगाओ। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। लाले की जान नौजवान, तुम्हारा निशाना तो बेमिसाल है, दिल खुश कर दिया, तुमको तो इनाम मिलना चाहिए। बाबा शेर खान, अगर आप मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लें, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तुम क्यों हमारे गिरोह में शामिल होना चाहता है? हम तो एक गुमनाम इंसान है। कौन कहता है कि आप गुमनाम हैं? इस इलाके का बच्चा बच्चा आपके गुण गाता है, क्योंकि आप अमीर जालिमों को लूट कर गरीबों की मदद करते हैं।
तुम्हारा नाम क्या है फर्जन? जी विक्रम सिंह। तो ठीक है, हम बड़ी खुशी के साथ तुम्हें हमारे किलों में शामिल करता है। माफ करना नौजवान, तुम खरा सोना नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खरा सोना होता तो हमारा सिकंदर तुम पर कभी शक नहीं करता। आपका सिकंदर बहुत समझदार है खान साहब, जो उसने मुझ पर शक किया, क्योंकि इससे पहले मैं डाकू खोपड़ी सिंह के गिरोह का एक मेंबर था। खोपड़ी सिंह का गिरोह? खोपड़ी सिंह का गिरोह तुमने क्यों छोड़ा नौजवान? इसलिए क्योंकि वो एक अय्याश और बेरहम डाकू है, और जबकि आप एक शरीफ और बहादुर डाकू हैं। लाले की जान, शेर खान खुश हुआ। ठाकुर, खोपड़ी की खोपड़ी देख, तेरे चेहरे की रौनक बता रही है कि तूने गांव की सारी खूबसूरत कन्या को अपनी दासी बना रखा है। नहीं खोपड़ी सिंह, ऐसी बात कोनी है। वो की है कि गांव की एक कली गुलाब बन गई है। अच्छा? और ठाकुर साहब की कल पनगढ़ पे उसे नजर पड़ गई है और उसने ठाकुर साहब की दासी बनने से इनकार कर दिया है। हाँ खोपड़ी सिंह बड़ी नाज नखरे वाली है, उसने तो हम सब की ड्यूटी हराम कर दी है। खोपड़ी, कसम है तेरी चिकनी चिकनी तबले जैसी खोपड़ी की, क्या चीज उभर कर आई है, क्या कटीली जवानी है, क्या सुराहीदार कमर है, मगर साली पुट्ठे पर हाथ नहीं रखने देती। सबके सामने पनघट पर मेरी बेइज्जती कर दी सर। क्या उस सुसरे ने ठाकर की बेइज्जती की और खोपड़ी का पता नहीं? ठीक है ठाकुर, तो आज हम सब मिलकर उस सुसरे की इतनी इज्जत करेंगे, ऐसी इज्जत करेंगे के बेइज्जती भी देखकर शर्मा जाएगी। सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत अत्याचार हुआ है तुम्हारे साथ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? मदद तो आपने कर दी मेरी जान बचाकर, फिर भी कभी कोई जरूरत पेश आ जाए तो इसी पते पे चले आना, पूरा दौलतपुर मुझे बेला मुजरेवाली के नाम से जानता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब मैं चलती हूँ। फुलन, क्या हुआ? किसने तेरी ऐसी हालत की? अरे किस निर्दयी को मुझ विधवा पर तरस नहीं आया? तू तो मंदिर गई थी ना भगवान की पूजा करने के लिए? हाँ माँ, मैं तो रोज ही भगवान के मंदिर में उनकी पूजा ही करने के लिए जाती थी, मगर आज ठाकुर और उसके तीन साथियों ने मेरी इज्जत को बेरहमी से रौंद डाला। नहीं भगवान, तमाशा देखता रहा मां,
माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, हॉस्पिटल चल दे माँ, माँ, ये क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी माँ अब कैसी है? उसके दिमाग की नस फट गई है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अस्पताल में 10,000 रुपए जमा करना पड़ेगा। 10,000? हाँ, जल्दी कीजिए वरना उसकी जिंदगी खतरे में है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अरे फुलन, तुम्हें दूसरी बार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहो कैसे आना हुआ? मेला भाई, आपने कहा था ना कि जब कोई जरूरत आन पड़े। हाँ हाँ, बोलो क्या जरूरत आन पड़ी? मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। ओह, ठहरो मैं लाती हूँ। ये लो बेला भाई, ये 10,000 रुपए आपका मुझ पे कर्ज रहा। कर्ज तुम्हारी मेहनत की कमाई भी बन सकता है। वो कैसे? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, मुझरा करके तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। मुझे मंजूर है बेला भाई, लेकिन मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। डॉक्टर साहब, ये रहे 10,000 रुपए, और मेरी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन कीजिए। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा बेटी, बाकी भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेला तो नहीं है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, चंपा बाई। कहो क्या काम है तुम्हें बेला से? चंपा बाई, मैंने बेला बाई से कुछ कर्ज लिया था, और उस कर्ज को उतारने के लिए अब मैं यहाँ पर मुजरा करने के लिए आई हूँ। अरे तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। वो कैसे? वो ऐसे कि आज ही सुबह दौलतपुर के लाला छेदी राम का न्योता आया था, लेकिन बेला जो है सारी लड़कियों को पास के गांव में लेकर गई है। क्या तुम मुजरा करने के लिए तैयार हो? आपने क्या नाम बताया था? दौलतपुर के लाला छेदी राम। दौलतपुर के लाला छेदी राम। चंपा भाई, मैं मुजरा जरूर करूंगी। Thank you.
लाला मुझे मत मार। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी जमाना भी शर्मा जाएगा। मुझे मत मारना। अरे जल्दी आ। अरे जन्म जले माटी मिले, जल्दी भाग वरना मुझे पुलिस पकड़ लेगी। रुक जाओ, तुम जानती है कि शेर खान की अदालत में चोरी की सजा मौत होती है। नहीं बाबा, मुझे मारना मत, मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? दौलतपुर का जमींदार पृथ्वी सिंह, डाकू खोपड़ी, जटा शंकर। बाबा, इन लोगों ने अमावस की रात की तरह मेरी जिंदगी को काला बना दिया है, मेरे निर्दोष बाप की हत्या कर दी और कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी को तार तार कर दिया। रो मत, आज से शेर खान को अपना बाप समझो तुम। डाकू खोपड़ी सिंह हमारा भी दुश्मन है, आओ मेरे साथ। दरोगा जी, राम राम, राम राम, राम, राम। जय हो खोपड़ी सिंह की जय हो। अरे इंस्पेक्टर, सुबह सुबह तू कहां से आ गया रे? क्या तेरी बोधी है कतक कर रही है? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ कुशल मंगल है, लेकिन वो अपना लाला है ना। कौन लाला? वो किसी लौंडिया में भगा के ले गया होगा। लेकर नहीं गया, कल उसका कत्ल हो गया। लाला का कत्ल हो गया? हाँ। किसने किया रे? फुलन ने। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगता है कि उसने इंतकाम लेने के लिए लाला का कत्ल किया, वो हम सबकी जान ले लेगी। वो कल की छोकरी हमारी जान लेगी? उस सुसरी के ऐसे पर काटेंगे, ऐसे पर काटेंगे कि वो ना भूल जाएगी। साथियों, ये फुलन है, हमारा बेटी जैसा है, राज से यही रहेगी हमारे साथ। ये आज पता चला। बाबा क्या हुआ? बाबा माली, ये क्या हुआ? ये घबराने की कोई बात नहीं, हमारे खान बाबा को दिन में एक दो बार ये दौरा पड़ जाता है और अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हे भगवान। बाबा ठीक है ना? ठीक है भाई। विक्रम जी, फुलन का यहां रहने का बंदोबस्त करो। ठीक है। इसके लिए नया कपड़ा भी लेकर आओ, जाओ। जी बाबा, आओ फुलन। चलो बाबा। इंस्पेक्टर करण रिपोर्टिंग सर। इंस्पेक्टर करण? जी हाँ। यानी कि मोहन सिंह का बेटा, रामदीन का बेटा और फुलन का भाई। फुलन का भाई? मैंने सुना है फुलन ने लाला छेदीलाल का
खून कर दिया है और तुमने उसे गिरफ्तार नहीं किया, क्या यह खबर सच है? जी हाँ सर, यह खबर सच है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर मेरे पास है सर। वो क्या खबर है? यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी सर कि जिन चार दरिंदों ने मेरी बहन की इज्जत लूटी थी उसमें एक सीनियर ऑफिसर भी था। नॉनसेंस, तुम एक सीनियर ऑफिसर की तोहिन कर रहे हो। सीनियर ऑफिसर, दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया, मैं किसी की तोहिन नहीं कर रहा हूं सर। तोहिन तो उस लड़की की हुई थी, उस मासूम लड़की की जो चार चार दरिंदों के हवस का शिकार बनी थी। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो या वकील जो अपनी बहन की वकालत कर रहे हो? अगर आपकी बहन का भी बलात्कार हुआ होता तो शायद आप भी उसके वकील बन गए होते। यू शट अप इंस्पेक्टर करण, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द फुलन को सलाखों के पीछे डाल दो। फुलन तो सलाखों के पीछे पहुंच जाएगी सर, मगर मां कसम, मां कसम, जिन दरिंदों ने उसे बर्बाद किया है मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा, बर्बाद कर दूंगा सर। इंस्पेक्टर करण, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू गुड लक टू। डॉक्टर, आधा रात गुजर गया तुम अभी तक जाग रहा है। बाबा, बचपन से लेकर आज तक मैं अपनी माँ से लिपट कर सोती थी, आज पहली बार अकेली हूँ इसलिए नींद नहीं आ रही। अब हम तुम्हारे वालिदा को यहाँ जंगल में तो नहीं ला सकता है, फिर भी एक बाप होने का फर्ज तो अदा कर सकता है। तुम सोने का कोशिश करो, हम है तुम्हारे पास। तुम हम पर लगाता है ना, खुदा कसम वो झूठ है। शेर खान ने आज तक किसी खुदा के बंदे पर न हाथ उठाया न हथियार, तो तुम्हारे बाप से हमारा क्या दुश्मन है? अगर ये बात तुम्हारा भेजा में है ना तो जाओ सबूत ढूंढ कर लाओ। सबूत? ये देखिए, यहां का लॉकेट जिसमें खोपड़ी की शक्ल बनी हुई है। विक्रम, यह लॉकेट हमारा नहीं है। अगर ये लॉकेट हमारा होता ना तो इस पर खुदा का नाम लिखा होता। ये तो हमारे लिए हराम है। ये लॉकेट आपको खोपड़ी सिंह का है, उसी ने मारा है तुम्हारे बाप को और उसी ने मारा है हमारी बहन को, जिसकी वजह से आज हम डाकू बना। समझा तुम? समझा? मुझे माफ कर दो खान बाबा, अब मैं समझ गया, खोपड़ी ने मुझसे झूठ बोला, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। विक्रम, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते हैं। जाओ जाकर सो जाओ तुम। अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए फुलन को घुड़सवारी और निशानेबाजी में माहिर होना पड़ेगा। तो दोनों हुनर कौन सिखाएगा इसे? मैं सिखाऊंगा खान बाबा, क्योंकि प्रताप सिंह के निशाने बाजी तो आप देख ही चुके हैं।
माना कि विक्रम तुम्हारा निशाना मुझसे ज्यादा अच्छा है, लेकिन घुड़सवारी तुम्हारे जैसे बच्चों का खेल नहीं है। खान बाबा आप ही फैसला कीजिए। ठीक है, इसका फैसला तकदीर का सिक्का करेगा। बोलो काटा की छापा छापा काटा। विक्रम फूलन को तू सिखाएगा। जी शुक्रिया। बोलो काली मैया की जय। काली मैया की जय। काली मैया की जय। काली मैया की जय। कसम है काली मैया की, फूलन अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए सर पर कफन बांध चुकी है। या तो उन्हें मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी, लेकिन पीठ दिखाकर नहीं भागूंगी। याद रहे फूलन की जबान एक। अल्लाह तुझे तेरे मकसद में कामयाब करे। ये तो बता कि तेरा पहला शिकार कौन है। मेरा पहला शिकार अब बहुत जल्द ही समझ जाएंगे खान बाबा। तुमने औरत को एक जमाने से एक खिलौना बना के रखा था, कभी पहना कभी उतार दिया, कभी पहना कभी उतार दिया। पांव की जूती बना के रखा था, मगर अब औरत का जमाना आ गया है, मर्द को हमने खिलौना बना दिया है। औरत कुछ कम नहीं मर्द की जात से। औरत कुछ कम नहीं मर्द की जात से। औरत कुछ कम नहीं मर्द की जात से। तू औरत पांव की रानी की कोशिश न कर, कोशिश न कर। हाँ तेरी औकात क्या मर्द के सामने। अरे चाचा तेरी औकात क्या मर्द के सामने। तेरी औकात क्या मर्द के सामने। मर्द से आगे जाने की कोशिश ना कर, कोशिश ना कर। अब तेरे दिल को पावा से
जन्म जले माटी मिले दरोगा जटाशंकर, तू भी उन चार कुत्तों में से एक है जिसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी। अब तू भी अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। आज रात मैं तुझे मार डालूंगी और तेरे क्रियाक्रम में एक ढेला भी खर्च नहीं होगा। सारा खर्च मैं करूंगी। लाश को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए मैंने ये अर्थी भेजी है और तेरी अर्थी को उठाने के लिए चार आदमी भी भेजे हैं। चार आदमी और उनका पैसा भी चुकता कर दिया गया है। वो चारों तेरे घर के सामने बैठे हैं। तो तुम चारों को फूलन ने भेजा है? जी सरदार। और इसी घर का पता भी बताया था फूलन भाई ने हमें। कहा था मुर्दा भी इसी घर से मिलेगा। मुर्दे के बच्चे, मैं तुम चारों को और फूलन को भी मुर्दा घर भेज दूंगा। चल भागो यहां से, भागो। अरे सुना नहीं तुमने? भागो यहां से, भागो। अरे अरे भागो। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, मुर्दा वाला मस्त है। राम नाम सत्य, मुर्दा वाला मस्त है। राम नाम सत्य, मुर्दा वाला मस्त है। राम नाम, अरे भाग ले। राम नाम सत्य, मुर्दा वाला मस्त है। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, मुर्दा वाला मस्त है। इंस्पेक्टर देख, देख ये तेरी बहन ने भेजी है। तेरी बहन फूलन ने मुझे भेजी है। ये मेरी मौत की अर्थी भेजी है। अरे ये तो मौत का दावा, मौत का फरमान है ये तो। अरे बाहर मौत की वो अर्थी लेकर के खड़े हैं। चार चार आदमी मेरी मौत की अर्थी लेकर के मेरी मौत से पहले खड़े। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे आप फिक्र मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। देख अगर तूने फूलन को नहीं पकड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? मुर्दा वाला देख, देख आगे, यही वो, यही है वो, आगे देख। राम नाम, मुर्दा वाला, राम नाम।
ले। राम नाम मुर्दा बड़ा, राम नाम मुर्दा बड़ा, मुर्दा बड़ा, राम नाम मुर्दा बड़ा, राम नाम मुर्दा बड़ा, राम नाम राम नाम मुर्दा बड़ा, राम नाम मुर्दा बड़ा, राम नाम मुर्दा बड़ा। खोपड़ी ने ठीक कहा था, फूलन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू डरना मत रे, तू डरना मत, हाँ तू डरना मत, जय हो जय हो जय हो। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्या तुम लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाओगे? जो मेरा है वो तुम्हारा है, हाँ। जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब बात समझ में आई, अब मेरा फूलन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और बाहर चारों तरफ पुलिस का पहरा है, फूलन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फूलन कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फूलन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फूलन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उल्लू के पट्टे जन्म जले माटी मिले दरोगा जटाशंकर, तू कब तक भागेगा और कहां तक भागेगा? तेरी मौत निश्चित है, तेरी हिफाजत को ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुझे साइनाइड का जहर चटा दिया है। साइनाइड का जहर? मैंने गीता के पन्नों पर साइनाइड लगा दिया था, और हर पन्ने को पलटते हुए तू अपनी उंगली से उस साइनाइड को चाटता रहा। और अगर तू 5 मिनट में अस्पताल नहीं पहुंचा तो जटाशंकर तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, सुना? डॉक्टर, देख फुलन, देख मुझे जाने दे, मैंने जहर खा लिया है, साइनाइड खा लिया, साइनाइड। फुलन के मुझे 5 मिनट में डॉक्टर के पास पहुंचना है। कितना बेवकूफ है दरोगा, मैंने चिट्ठी में झूठ लिखा था कि उसमें जहर मिला हुआ है। फुलन मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे मुझे माफ कर दे फुलन। तुझे मैं एक ही शर्त पर माफ कर सकती हूँ भड़वे। कौन सा शर्त? बता बता बता। तेरे सामने एक भरपूर जवान औरत खड़ी है, अगर तू इस जवानी के बाप के एक एक फूल को नोच डाले तो मैं तुझे माफ कर सकती हूँ। तेरे धूल के फूल के सामने भी खुद जटाशंकर धूल का फूल बन गया, अब क्या फूल तोड़ेगा वो? तेरे धूल के फूल की माँ की आँख, ये ले। अरे ठाकुर कहाँ हैं? ऊपर है, ऊपर। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। क्या बात है मंगत, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? गजब हो गया ठाकुर साहब, गजब हो गया। क्या गजब हो गया, कुछ बको भी। अरे फूलन ने दरोगा का खून कर दिया ठाकुर साहब। दरोगा का खून कर दिया? गांव की कमजोर लड़की ऐसा कैसे करती जा रही है ठाकुर साहब? जब कोई शरीफ आदमी बदला लेने पर उतारू होता है ना, तो कुछ भी करता है। अब ये फूलन भी बदला लेने पर उतारू हो गई है। मुझे तो डर है दरोगा जी के बाद आपका भी।
खामोश। समझा तो अब बिल्ली शेर का शिकार करने निकली है। शायद बिल्ली को यह पता नहीं कि अगर शेर का एक पंजा उसे पड़ जाए तो उसके जिस्म के चीथड़े होकर हवा में बिखर जाएंगे। बेटा अब मैं तुमसे क्या कहूं, तुम खुद समझदार हो, सोच समझकर सही फैसला करना बेटे। मैंने फैसला कर लिया मां, मैंने फैसला कर लिया। कानून की इस वर्दी को पहन के मैं फुलन भाई के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे कानून के हवाले कर दूंगा मां। मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए मां। शाबाश फुलन शाबाश, तुमने दरोगा जटा शंकर को उसके अंजाम तक पहुंचाकर हमारा सर फकर से ऊंचा कर दिया। शाबाश। ये सब तो आपकी दुआओं का आशीर्वाद है खान बाबा। खान बाबा, बाबा, खान बाबा, बाबा क्या हुआ? हाँ खोबड़ी, सच कह रहा हूँ, उस दो कौड़ी की फुलन ने दरोगा को ऊपर पहुंचा दिया। खोपड़ी खुश नहीं हुआ, खोपड़ी को मजा नहीं आया। तभी तो कहता हूं खोपड़ी, कभी कभार अपनी इस खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर, कहीं वो फूलन भाई हम सब की ऐसी की तैसी ना कर दे। बाबा को यहां नहीं लाया जा सकता, आप चलिए। सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो आ गए ना डॉक्टर लाइन पे, चलो पट्टी खोल दो। माफ करना डॉक्टर साहब, आइए। खान साहब आधा वर्ष। आधा वर्ष खान साहब, आपको मालूम है कि आपके सर में दर्द क्यों होता है? हम जानता है कोची डॉक्टर कि पिछले 20 सालों से हमारे सर में कोली का एक छर्रा है। ओ माय गॉड, 20 साल से मौत को सिर में लिए घूम रहे हैं, आपने ऑपरेशन से छर्रे को निकलवा क्यों नहीं दिया? दर्द खत्म हो जाता तो बदला खत्म हो जाता, बदला खत्म हो जाता तो शेर खान खत्म हो जाता। 20 सालों से यह दर्द हमको हमारा इंतकाम का याद दिलाता है, इसीलिए तो पल ने दिया हमारा सर में यह दर्द को हम। I'm sorry, Mr. Curran, ये रहा तुम्हारे ट्रांसफर का ऑर्डर। लेकिन ट्रांसफर, लेकिन मेरा कसूर क्या है सर, मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा नहीं, बहन भाई के रिश्ते का है। तुम अपनी बहन के प्यार में इस तरह बह गए कि तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि पुलिस ऑफिसर के खून होने के बाद भी तुमने फूलन को हथकड़ी नहीं पहनाई। ये झूठे सर, ये सरासर झूठे सर। मैंने अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी और बड़ी वफादारी से किया सर, इसमें कोई रियायत नहीं सर, ये मुझ पर सरासर इल्जाम है सर। मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो मिस्टर करण, अब तुम यहां से जा सकते हो। सर मेरा मिस्टर करण, नाउ यू मे गो, दैट्स ऑल। ओके सर। इंस्पेक्टर, फूलन के भाई करण का ट्रांसफर करके तुमने हम पर एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है, लेकिन हम भी किसी की मेहरबानी उधार नहीं रखते, फौरन चुका देते। तुमने बेईमानी भी बहुत ईमानदारी से की है, इसलिए ये रही तुम्हारी
ईमानदारी की कीमत। शुक्रिया ठाकुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। से भूखी हूं, मुझे एक रोटी दे दो भाई साहब। हे भगवान, कहां जाऊं मैं? ने कभी सोचा भी नहीं था। ठाकुर ने तुम्हारे भाई का भी तबादला करवा दिया है। लालच है मुझ जैसी बेटी पर, जिसके होते हुए उसकी माँ अनाज के एक एक दाने के लिए तरसे और पानी की बूंद के लिए तड़प तड़प कर मर जाए। नहीं मास्टर, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। आग लगा दो उस दौलतपुर को, मटिया मेट कर दो, नामो निशान मिटा दो दौलतपुर का। फुलन की जबान एक। चलो भैरव सिंह। जी सर। खान बाबा, वो दौलतपुर गई है पृथ्वी सिंह से बदला लेने। खान बाबा, फुलन अकेली गई है गांव में, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। अरे की जान, मत हो परेशान, हमको फुलन बेटी पे पूरा भरोसा है। दुश्मन को सबक सिखा कर आएगी, पीठ पर घाव खा देने, समझा तुम? जी बाबा। इन सारी अनाज की बोरियों में आग लगा दो। इन मेरी माँ को अनाज के एक एक दाने के लिए तरसाया है, और जिस गांव में मेरी माँ भूखी रहती है, उस गांव का एक भी आदमी दाना नहीं खाएगा। भैरव। जी सरदार। आग लगा दो इनमें। जी। ठहरो। कोई आग नहीं लगाएगा। माँ तू ये क्या कह रही है? जिन गांव वाले ने तुझे भूखा रखा, उन्हीं का भला चाहती है? हाँ बेटी, इन बेकसूर मजलूम लोगों की रोटी छीनकर तुम्हें क्या मिलेगा? इन लोगों ने जो कुछ भी किया, उस कमीने ठाकुर के डर से किया है, इनका कोई कसूर नहीं है बेटी। ठीक है माँ। भैरव। जी सरदार। चलो ठाकुर के गोदाम को लूट लो, आज के बाद वो अनाज के एक एक दाने के लिए तरसेगा। और हाँ गांव वालों, खबरदार अगर आज के बाद ठाकुर की किसी ने मदद की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो भैरव। जी सरदार। कौन हो तुम? बागी फूलन। वो तो तुम्हारे लिबास से ही जाहिर है, लेकिन मेरे इस अफसर ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हारा ये आदमी घुसखोर है साहब, इसने जमींदार से रुपया खाकर मेरे भाई करण का इस थाने से दूसरे थाने में तबादला करवाया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा ये दरोगा है साहब। क्यों दरोगा? क्या मेरे मुखबिर की बातें झूठ है? तुमने जमींदार से रुपया खाकर मेरे भाई का तबादला नहीं करवाया है? सच उगल, वरना मेरी बंदूक की गोलियां तुझे निकलनी पड़ेंगी। ये सच है, मैं लालच में आ गया था, शेरप, तुम्हारे जैसे घूसखोर अफसरों ने ही हमारे महकमे को कलंकित किया है। फूलन, मैं तुम्हारे भाई को इस थाने में वापस बुला लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें अभी इसी वक्त अपने आप को कानून के हवाले करना होगा।
जरूर हवाले करूंगी कमिश्नर, लेकिन अपने बचे हुए दो दुश्मनों को खत्म करने के बाद। जय महाकाली। चलो डालने का हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? जान से मार देगा तुमको, जान से मार देगा तुमको, आज खत्म कर देगा, नाम निशान मिटा देगा तुम्हारा। इस कमीने को माफ कर दीजिए। हाँ बाबा, ये आपका पुराना वफादार साथी है, इसकी पहली गलती है, इसलिए इसे माफ कर दीजिए। प्रताप, तुम हमारा पुराना साथी रह चुका है, इसे तुमको माफ कर देता है, लेकिन अगर आइंदा तुम हमारे इलाके में नजर भी आया ना, हम तुम्हारा सर कलम कर देगा। अब मैं किसके साथ अपना रोना रहा हूं, एक चीज दे दे। अगर विक्रम सिंह को पता चल गया कि शेर खान ने नहीं बल्कि हमने उसके बाप को हमेशा हमेशा गली तरी पार कर दिया तो मेरा क्या होगा मुच्छर? हाँ खोपड़ी सरदार, अब विक्रम सिंह आपके खून का प्यासा है। प्यासा है, प्यासा है, प्यासा है, तो मेरा नाम भी खोपड़ी सिंह है रे। अब मैं विक्रम सिंह छिपकली फुल्लन और शेर खान का खून जमाल खोटे में मिलाकर अपनी खोपड़ी में खूब घुमाऊंगा और तीनों का खून पी जाऊंगा रे। ये बता प्रताप, तू मुझे वहां तक उसकी हड्डी तक ले चलेगा ना रे? ये भी कोई कहने की बात है सरदार, मैं लेकर चलूंगा ना आपको।
की कसम बाबा, उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगी, ऐसी मौत मारूंगी उन्हें कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। आपकी कसम बाबा। हाँ हाँ फूलन, नहीं छोड़ेंगे हम उन्हें। हाँ फूलन। सरदार, आज ठाकुर के यहाँ जश्न भी है, नाच गाने का प्रोग्राम भी है। मैं कहता हूँ सरदार, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लानत है तुझ पर फूलन, कि तू यहाँ बदले की आग में जल रही है और वो वहाँ अय्याशियाँ कर रहा है। ठाकुर, मैं तुझे कुत्ते की मौत तो मारूंगी ही, लेकिन कसम है मुझे कि आज के बाद तू एक एक सांस के लिए तरसेगा, एक एक सांस के लिए। चल भैरव। यूपी बोले गरिया हमार हुई जा।
मुझे मुझे छोड़ दो फूलन बेटी, मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? तुझे मैं छोड़ दूं कमीने? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुझे मैं छोड़ दूं? तूने मेरे बाबा की जिंदगी ली है कमीने? तू ही मेरी बर्बादी का सबब है कमीने कुत्ते। मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, कुत्ते से बदतर मौत दूंगी मैं तुझे। भैरव सिंह। जी सरदार। लूट लो इसकी हवेली को। कमीने, कुत्ते, नहीं छोड़ूंगी तुझे। मैं इस कमीने को बिना मारे नहीं छोड़ूंगी। इस कमीने को नहीं, विक्रम सिंह नहीं, चलो। तेरी लंबी लंबी जुल्फों को मैं कंघी दे दे के थक गया रे, या तो इन जुल्फों की जुओं को तू खा जा या मैं खा जाऊं रे। खा जा सरदार, मैं भी बहुत तंग हूं इनसे। हाय हाय तेरी जुल्फें। सरदार, ठाकुर साहब आ रहे हैं। अरे आने दे, आने दे मेरे ठाकुर के। ओ मेरे तारो तारो मेरे यार को, वाह क्या घन, मैंने बिल्कुल मंत्री नजर आ रहा है। राम राम ठाकुर साहब। का भी बाप नजर आ रहा है ठाकुर, वाह क्या चाल। राम राम ठाकुर साहब। वाह अरे आओ ठाकुर आओ, अरे आओ ठाकुर आओ। जय हो ठाकुर साहब की। आओ पांव लगी ठाकुर, पांव लगी बैठा। भाभी ने थोपड़ा बिगाड़ा है। अबे गधे के बच्चे, वो तो हूँ। ठकुराइन तो मेरे सामने हाथ बांधे भीगी बिल्ली की तरह खड़ी रहती है, मेरी ये दुर्गत फूलन ने बनाई है, और अगर तूने उसका कोई इलाज नहीं किया तो एक दिन वो तेरी खोपड़ी की चटनी बनाकर खा जाएगी। मर जाएगी जहर चटनी में। पर ये बता ठाकुर, फूलन भाई मिली कहाँ? कल रात फूलन और उसका गिरोह टिड्डी दल की तरह मेरी हवेली में घुस आया और मेरी तिजोरी का ऐसे सफाया किया कि अब सारी जिंदगी मुझे भीख मांगकर ही गुजारा करना पड़ेगा। नहीं ठाकुर, खोपड़ी को खोपड़ी की कसम, तू भीख नहीं मांगेगा। अब भीख तो मांगेगी फुल्लन भाई, बाटा लेकर। और मैंने क्या कही, पैसा दे दे, पैसा दे दे, पैसा दे दे। अबे खोपड़ी के बच्चे चुप चुप, खाली बर्तन की तरह शोर मत मचा, और ये बता के वो फूलन तेरे हाथ कैसे आएगी। ठाकुर एक मिनट, ठाकुर ये क्या है? हिंदुस्तान का सबसे कमीना सर। और इसके अंदर क्या है? दुनिया का सबसे हरामी भेजा। वाह क्या भेजा, मार्केट में इतना सस्ता और यहाँ महंगा है। आज कौन सा दिन है ठाकुर? और रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन? क्या बात है खोपड़ी, कहीं फूलन से राखी बंधवाने का इरादा तो नहीं है? हट ठाकुर, मुझे रक्षाबंधन थोड़ा देखना है, मैं तो उसका तन बदन देखने के लिए पैदा हुआ हूँ। आज फुल्लन भाई इंस्पेक्टर करण को राखी बांधने आएगी, और हम हमेशा के लिए उसको राखी बांध देंगे। तुम कहो तो आंखों देखा हाल, मैं भी देखा हूं तुम्हारे साथ। नहीं ठाकुर, तुम आंख बंद करके
आंग मचोली देखो अपने खोपड़ी की, हम फुल्लन देवी की लाश तुम्हारे सामने रख देंगे, चलो आए 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 आए। करो फूलन, उस भाई को राखी बांधने मत जाओ, जो तुम्हारी रक्षा करने की बजाय तुम्हारा स्वागत हथकड़ी से करे। भाई बहन के प्यार के बीच में आने की कोशिश मत करो विक्रम, अपने मुन्ना को मैं राखी जरूर बांधूंगी, फूलन की जबान एक। चलो भैरव। कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ। बेटी एक बात मान, तू वापस चली जा। वापस तो चली जाऊंगी माँ, मगर मुन्ना को राखी बांधने के बाद ही जाऊंगी। हे भगवान, तू बड़ी जिद्दी है, मैं क्या करूं? करण बेटे, बेटे करण। हाँ माँ। जरा यहाँ आओ। क्या है माँ? तुम्हें पता है तुम्हारे गोपालपुर वाली मौसी की बेटी सुमित्रा यहाँ आई है। गोपालपुर की मौसी सुमित्रा? मुझे कुछ याद नहीं माँ, मैं अभी ड्यूटी पे हूँ माँ। ड्यूटी पर हूँ माँ। अरे तू भी बड़ा भुलक्कड़ है, तुझे याद नहीं जब तू बचपन में गांव जाता था तो सुमित्रा का घरौंदा तोड़ देता था? माँ वो सब बचपन की बात थी, मुझे कुछ याद नहीं। फिलहाल जो मेरा काम है वो इम्पोर्टेंट काम है। पर दो मिनट चलो, मैं उससे मिलाती हूँ। माँ मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, आप क्यों नहीं समझती है? पर बेटे वो तुझे राखी बांधने आई है, चल ना। चल आजा। ले बेटी राखी बांधो। बेटी सुमित्रा अब तू घर जा, तेरा छोटा बच्चा है ना, तेरा इंतजार कर रहा होगा। जा बेटी तू जा। ठहरिए, आप शायद दुनिया की पहली बहन होगी जो राखी के शुभ दिन पर अपने भाई को अपना मुंह दिखाना पसंद नहीं करोगी। बेटा तुझे याद नहीं सुमित्रा बचपन में भी तुझसे पर्दा करती थी? अच्छा माँ वो बचपन की बात थी, अभी तो ये दो बच्चों की माँ हो गई है तो फिर मुझसे क्या पर्दा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जब तक ये मुझे अपना मुंह नहीं दिखाएगी मैं इन्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। माफ करना, जब तक मैं अपने दुश्मनों को मार के खत्म नहीं करूंगी तब तक तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। फिलहाल अब तुम ही मेरे साथ चलकर मुझे गांव की सरहद तक पार कराओ। देखा माँ, मेरा शक सही था ना। कोई भी गोली नहीं चलाएगा वरना इंस्पेक्टर करण की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। चलो मुन्ना, तुम्हें इस वर्दी में देखने के मेरे कितने अरमान थे और मैं तुम्हारे और माँ के लिए कितना तड़पती रहती हूँ मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन
एक ने एक दिन मैं अपने आप को जरूर तुम्हारे हवाले करूंगी, लेकिन उन कुत्तों से अपना बदला लेने के बाद। फिलहाल तुम मुझे गांव के बाहर ले चलो अभी। शैतान सिंह, तेरी कोई लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी तो आपकी लग गई है ठाकुर साहब। वो देखिए खोपड़ी सरदार फूलन की लाश लेकर आ रहा है। आ खोपड़ी, वाह खोपड़ी वाह वाह। तूने जो कहा करके दिखा दिया। मैं तो ये मान गया, वाह क्या बात है, तू बोलता क्यों नहीं? अरे भाई क्या बात है, तू बोलता क्यों नहीं? क्या तेरे मुंह पर किसी ने पूछ मार दिया? बोल क्या मामा 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 कर रहा है, क्या बकरे की तरह मामा 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 कर रहा है गंजे? ये जन्म जला माटी मिला क्या बोलेगा ठाकुर? इसकी तो मैंने बोलती बंद कर रखी है। फूलन? हाँ ठाकुर, मैं फूलन बाई आई हूँ तुम सब दुश्मनों की खोदने के लिए मौत की खाई। ठाकुर मैं हूँ फूलन बाई। मैंने खोपड़ी की जेब में बम रख दिया है ठाकुर, और उसका रिमोट मेरे इस हाथ में है, यानी इस हाथ में खोपड़ी की मौत और इस हाथ में तेरी मौत है ठाकुर। अगर किसी ने सुरमा बनने की कोशिश की तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी आत्मा ने उसके शरीर को कब छोड़ दिया। विक्रम सिंह, सबसे पहले इन प्यादों की बंदूकें छीन लो। अपनी अपनी बंदूकें नीचे फेंको। ठाकुर खोपड़ी की जेब में बम नहीं, माचिस की डिब्बिया है, ये देख। पैरो सिंह। जी सर।
रुक जाओ फूलन भाई।